हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समसेरी ब्यूटी हब। मैं हूं दरक्षा। आज मैं शेयर कर रही हूं एक फेशियल किट। ये फेशियल है लुस्टर कॉस्मेटिक का, लुस्टर प्योर हर्बल ये इसका ब्रांड है, लुस्टर नाम है इस ब्रांड का। तो ये हल्दी चंदन फेशियल है, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये फेशियल किट मिल जाता है। वन टाइम यूज है, मतलब सिंगल यूज किट है ये। 6 स्टेप फेशियल है, ग्लोइंग स्किन, नेचुरल ग्लो आएगा इससे अप्लाई करने से। पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, क्वालिटी फ्री है, हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल यहाँ बैक साइड में मिल जाता है। मैं इसको अप्लाई कर चुकी हूँ, मुझे 2-3 दिन हो गया इसको अप्लाई किए हुए, तो मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा। तो आज मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी, रिव्यू एंड फुल डेमो शेयर करूँगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं ये है मेन प्रोडक्ट, कुछ इस टाइप का इसका पैकिंग मिल जाता है, पैकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। मिनी किट है ये, इसका ब्रांड नेम है लस्टर प्योर हर्बल। इसका ब्रांड नेम ना बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, लस्टर की जगह कभी लुस्टर भी बुलाया जाता है मेरे से, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। हल्दी चंदन नेचुरल ग्लो 6 स्टेप फेशियल किट है ये, ग्लोइंग स्किन, सिंगल यूज किट है ये, तो वन टाइम यूज किट है ये। इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है कि बचेगा इसमें, तो ये एक बार ही यूज करना है। नेट वेट है इसमें 40 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलता है। इसकी MRP है 250 का है ये। यहाँ पे बैक साइड में आपको फुल डिटेल मिल जाता है इसका, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्वालिटी फ्री है, हार्मफुल केमिकल फ्री है ये, तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जिससे आपको नुकसान होगा। तो काफ़ी सेफ़ है ये प्रोडक्ट, यूज कर सकते हैं। तो यह पूरा डिटेल इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो इसको मैं बाय की थी फ्लिपकार्ट से, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर मिल गया था। कॉम्बो सेट में परचेज की थी, तो वहाँ पे मुझे ना सिर्फ 99 का 2 मिला था, एक ये वाला है, एक और भी मैं शेयर की हूँ फेशियल किट, तो वो वीडियो अगर नहीं देखें तो देखिएगा। तो एक मुझे सिर्फ 50 का ही मिल गया है, तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाता है सेल के दौरान आप परचेज करते हो। तो अब देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको पाउच में मिलता है। इसके ऊपर ना पूरा मेंशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से मेंशन है, तो देखकर आप आराम से कर सकते हैं। तो घर पे यूज करने के लिए काफ़ी अच्छा फेशियल है। तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई कर दिखाती हूँ फटाफट। अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन थोड़ी डल हो रही है, बहुत ही ऑयली सा लग रहा है। तो देखिए, जब भी फेशियल आप करते हो ना, तो डबल क्लींजिंग जरूर कीजिएगा। एक बार अच्छे से फेस को क्लींजिंग वाटर से क्लीन कर लीजिए, नेक्स्ट में आप फेस वॉश कर लीजिए, तो जितना भी डस्क होगा आपकी स्किन से क्लीन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप करना है, इस फेशियल का ये फर्स्ट स्टेप है, फेशियल क्लींजर है ये। तो इसको लेकर फेस पे अच्छे से मसाज करना है। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा येलो है। इसका फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, चंदन का खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे इसका खुशबू। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि चंदन फेस पे लगा रहे हैं। इसमें टर्मरिक है, तो देख सकते हो इस टाइप से आपको कलर दिखेगा येलो येलो। ये क्रीम है, तो क्रीम को अच्छे से पूरे फेस में मसाज करेंगे। फेस नेक में आप मसाज कर लीजिएगा, अगर बच रहा हो तो आप हैंड पे भी मसाज कर लीजिएगा। मैं हैंड में भी साथ में कर ली थी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट को बचाना नहीं है, पूरा अप्लाई कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी बच जाता है तो वो वेस्ट ही जाएगा, मतलब फिर काम में तो आएगा नहीं, वो प्रोडक्ट का असर ही ख़त्म हो जाता है पाउच वाला का, इसीलिए पूरा यूज कर जाएंगे। तो फेस नेक आप अच्छे से कर सकते हो, बैक में भी अगर बचता हो तो कर लीजिए। तो मैं इस टाइप से पूरे फेस नेक में अच्छे से अप्लाई कर ली हूँ, तो क्रीम ज़्यादा नहीं है कि बचेगा, तो यूज हो जाता है पूरा। तो अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, फिर देखिए मेरा हो चुका है मसाज कंप्लीट। मैं एक बार फेस को धोकर आ गई हूँ, तो नॉर्मल वाटर से आपको धो लेना है। धोने के बाद देख सकते हो कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट स्टेप है इसका, ये सेकंड स्टेप है, फेशियल स्क्रब है ये। तो ये स्क्रब है ये, तो स्क्रब भी येलो कलर का दिखता है, थोड़ा सा लाइट कलर इसका आएगा। इसको लेकर आपको फेस पे 10 मिनट के लिए मसाज कीजिएगा, अच्छे से मसाज करना है। नोज़ पे यहाँ यहाँ थोड़ा सा
डीपली मसाज कीजिएगा, क्योंकि ब्लैक हेंड्स हो वाइट हेंड्स हो तो आपका क्लीन हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा पार्टिकल है इसका, तो स्किन पे एकदम रगड़ेंगे नहीं। इसके आपको थोड़ा सा पानी लेकर हैंड में अच्छे से मसाज करेंगे, ज़्यादा टाइट हैंड नहीं चलाना है आपको, थोड़ा पानी ले लेकर अच्छे से मसाज कीजिएगा 10 मिनट के लिए। तो देख सकते हो मसाज मैं कर चुकी हूँ, मेरा मसाज हो चुका है कम्प्लीट। अब मैं आती हूँ धोकर। धोने के बाद आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये है 3 स्टेप इस फेशियल का। इसमें मसाज क्रीम मिलता है, इस क्रीम को आप 5 से 10 मिनट के लिए मसाज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो आप 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए मसाज करूँगी, तो पूरे फेस में अच्छे से क्रीम को लगा लेंगे, 1 मिनट के लिए रहने देंगे, उसके बाद मसाज करेंगे। तो आप अच्छे से मसाज कर लीजिएगा पूरे फेस नेक में लगा कर। तो देखिए अब बहुत ज़्यादा अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो आप क्रीम को ना स्किप कर दीजिएगा, इसमें जेल दिया है, आप सिर्फ जेल से भी मसाज कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप जेल को स्किप कर दीजिए, क्रीम से मसाज कर लीजिए। लेकिन मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन टाइप है, तो मैं इसको क्रीम जेल दोनों से मसाज करती हूँ। तो अभी मैं क्रीम से मसाज कर रही हूँ, तो अच्छे से पूरे फेस को मसाज कर लेती हूँ। मसाज करने के बाद आप देख सकते हैं मैं मसाज कर ली हूँ, तो मसाज मेरा हो चुका है कंप्लीट। तो काफ़ी अच्छे से मसाज की हूँ, क्रीम ना बहुत ही अच्छे से स्किन में घुस चुका है। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से स्किन में चला जाता है। तो अब मैं इसको क्लीन करूँगी, तो क्लीन करने के लिए मैं टिश्यू यूज कर रही हूँ, तो इस तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो आप देखिए क्लीन करने के बाद स्किन कुछ इस टाइप से दिख रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही रिफ्रेश फील हो रहा है। और ये ना बहुत ज़्यादा मेरे स्किन को सॉफ्ट कर दिया है, तो इस सॉफ्टनेस बहुत ही अच्छा आ जाता है, स्किन पे ग्लो भी आ गया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, आप देख सकते हैं ये है 4 स्टेप है इस फेशियल का। इसमें मिलता है मसाज जेल है ये, तो देखिए कुछ इस टाइप का मिल जाता है। इसमें ना ये लाइट कलर है, बिल्कुल ही लाइट दिखेगा, जेल फार्मूला है इसका, तो कुछ इस टाइप से निकलता है ये। तो जेल को आपको पूरे फेस में अप्लाई कर लेना है, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप मसाज कीजिएगा। तो मसाज करने में ना बहुत ही जल्दी ये अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, क्विकली अब्जॉर्ब फार्मूला है ये, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है स्किन में, थोड़ी देर मसाज करेंगे तो बहुत ही अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा ये, काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी स्टिकीनेस फील नहीं होता है इससे। तो बहुत ही अच्छे से मैं इसको मसाज कर लेती हूँ, मसाज करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से अब्जॉर्ब होता है। तो इसको धोना है, धोने के लिए आप यूज करेंगे लुक वार्म वाटर यूज करना है। आप देख सकते हैं मसाज मेरा हो चुका है कंप्लीट, बिल्कुल अब्जॉर्ब हो चुका है स्किन में जेल। तो अब मैं आती हूँ धोकर। धोने के बाद आप देखिए कुछ इस टाइप से रिजल्ट आता है, तो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है स्किन, तो मेरे स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छे से स्किन पे स्मूथ कर दिया है, स्किन पे ग्लो भी दिख रहा है। ये है इस फेशियल का 5 स्टेप है, ये फेशियल पैक है ये। तो देखिए कुछ इस टाइप से निकलता है, लाइट येलो कलर दिखता है, क्रीम टेक्चर है ये। तो इस तरीके से पूरे फेस में आप अप्लाई कर लीजिएगा, तो पूरा पैक यूज हो जाता है। तो मैं इसको पूरा अप्लाई कर ली हूँ, तो देख सकते हो अप्लाई करने के बाद कुछ इस टाइप से दिख रहा है ये। तो इसको ना ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ड्राई होने तक आपको रहने देना है, तो ड्राई होने के बाद आपको धो लेना, नॉर्मल वाटर से धोइएगा। आप देख सकते हैं मेरा ड्राई हो चुका है, तो अब मैं आती हूँ धोकर। धोने के बाद आप देखिए मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे लगा, स्किन पे बहुत ही रिफ्रेश लग रहा था, स्किन पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस लग रहा है, स्किन पे ग्लो भी दिख रहा है। आप जब भी कोई भी फेशियल करते हो ना, तो तुरंत उसका रिजल्ट नहीं समझ आएगा आपको, 1-2 दिन के बाद स्किन पे रिजल्ट दिखता है। तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपको अभी चेंज नहीं दिख रहा होगा स्किन पे, 1-2 दिन बाद स्किन पे ग्लो दिखने लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा आईज थोड़ा सा डार्क ज़्यादा दिख रहा है ये, बट मेरा फेस आप देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। ये है इस फेशियल का लास्ट स्टेप है, 6 स्टेप है ये, पोस्ट फेशियल नरिशिंग सीरम है। तो इस सीरम को आप फेस में अच्छे से अब्सॉर्ब करा दीजिएगा, पूरे फेस नेक में अच्छे से अब्जॉर्ब करा देना, क्योंकि अब्जॉर्ब फार्मूला है, बिल्कुल भी स्टिकीनेस फील नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से
एब्जॉर्ब हो जाता है, लाइट वेट टेक्चर है, आपको थोड़ी देर में स्किन पे पता भी नहीं चलेगा कुछ अप्लाई किए। अगर आप नाइट में कर रहे हो तो आप नाइट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको नाइट में ही इस फेशियल को कंप्लीट की हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो चुकी हूँ, एक बज चुका है अभी, तो मैं अच्छे से अब्जॉर्ब करा दी थी, बट इसके बाद मैं कुछ भी अप्लाई नहीं की थी, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट लगा, मेरी स्किन पे इससे ग्लो भी दिख रहा है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप है। फ्रेंड्स यही है मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। आप लोग इस फेशियल को यूज़ किए तो आप लोगों को क्या रिजल्ट मिला है कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।